नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ की सीमा में लगे हुए इलाकों में अलर्ट किया गया है। वहीं मंडला जिले में खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मंडला में से नक्सलियों की मूवमेंट के इनपुट मिलने के बाद वहाँ फोर्स भेजी जा रही है। दरअसल पिछले दिनों मंडला के मोती नाला में नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। हॉक फोर्स और स्थानीय पुलिस को पहले से ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सटे हुए भालाघाट और मंडला जिले में नक्सली मूवमेंट की सूचना के बाद दोनों जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार को सुकमा में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में CRPF ने 9 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से जो मंडला से लगा हुआ कुछ एरिया है, वहाँ पर नक्सली मूवमेंट की खबर मिली है। हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। वहाँ पर पर्याप्त फोर्स भेजा गया है, फोर्स लगाया गया है। और चूँकि जब दूसरे क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से जो सीमा के जिले होते हैं, वहाँ पर उनका मूवमेंट उस तरफ होता है। और इसलिए मंडला तरफ मूवमेंट की सूचनाएँ हैं, उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अतिरिक्त बल वहाँ पर भेजा गया है और वहाँ पर सुरक्षा को लेकर पर्याप्त प्रबंध सरकार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज।